सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष, भारत वर्ष के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और राजनेता थे कि शायद आज तक इतिहास में कभी ऐसा व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ। उन्हें लोग सरदार पटेल के नाम से भी जानते हैं। सरदार का अर्थ होता है प्रमुख, और सरदार पटेल ने भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत में देसी रियासतों के एकाकीकरण की महान चुनौती को उन्होंने सफलतापूर्वक हल किया, और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने गृह मंत्री के रूप में भी काम किया। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ और उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। इस तरह सरदार साहब ने 75 साल तक भारतवर्ष की सेवा में गुजारे, है ना। तो यार दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। इन सभी रियासतों को सरदार पटेल ने भारत में मिलाया। बोलने और सुनने में तो ये सिर्फ एक सेंटेंस है, एक लाइन है, लेकिन आप अमेजिंग कीजिए, 562 राजाओं को मनाकर भारत में मिलाना कितना भगीरथ और महान कार्य है जो सरदार पटेल ने बखूबी पूरा किया। सरदार पटेल के इन्हीं महानतम कार्यों की वजह से आज पूरा भारतवर्ष सरदार पटेल का ऋणी है, और इसीलिए तो आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के असंख्य स्मारक बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसा ही एक सुप्रसिद्ध स्मारक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है, जो हमारे गुजरात के भरूच जिले के अंदर केवड़िया कॉलोनी में बसा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं और मेरा पूरा ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है वो 56 लोगों का है, सब पूरा फैमिलीज है, वो हम सब एक लग्जरी बस करके वहाँ जाने वाले हैं। तो वहाँ का पूरा पूरा डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रियलिटी क्या है, वहाँ कैसी कैसी सुविधाएं उपलब्ध है, और किस तरह का माहौल है, कितने लोग आते हैं और कैसे कैसे एंजॉय करते हैं, वो सभी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिंग बनने वाली है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये है हमारा एक्सप्रेस हाईवे, अद्यतन सुविधाओं के साथ बनाया गया ये नेशनल हाईवे है। चारों तरफ ग्रीनरी और बीच में से दौड़ती हुई सर्पाकार स्वच्छ सड़क सवारी के दिल और दिमाग को आनंद से भर देती है। वैसे हम लोग कुल मिलकर 56 लोग है और हमने एक लग्जरी बस किराए पे लिया है, तो हम सभी 56 लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात यात्रा कर रहे है। आपको भी बहुत बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आप भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ चलने वाले हैं और हमारे साथ आनंद करने वाले हैं, है ना। और अब हम पहुंच गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो नमस्कार दोस्तों, एबी डिजिटल चैनल पर आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं असित भट्ट। और दोस्तों, आज हम आए हैं वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे गुजरात का जो है बहुत ही ज्यादा फेमस वो प्लेस है, और हम सब जो सारे फैमिलीज है वो मिलके इधर आए। और दोस्तों, सबसे बढ़िया बात यह है कि आज हम जो है हमारी एक जो लग्जरी होती है उसके अंदर हम सब लगभग हमारे इंसान होंगे 50 से 55, वो हमारी सब फैमिलीज है, हम सब यहाँ आए हैं। हम सब मिलके यहाँ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है हमारा गुजरात का बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है, उसकी मुलाकात करने वाले है। आप सभी भी हमारे साथ रहिए। और हमारे जो मेंबर्स है, हमारे भाई है, हमारे वो रावल साहब है वो जो पीछे खड़े है, बाकी हमारी ये सब बहनें हैं। तो हमारा जो 5 सेक्टर है उसमें हमारा जो ब्रह्म महिला मंडल है उनकी ये सारी बहनें हैं। हम स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है उसकी पूरे पूरी जो रियलिटी है वो हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए जो ये वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आउट बस स्टैंड। हम सब धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रिक बस में बैठकर, और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो हमारी बहनें हैं वो कितनी खुशहाल दिखाई दे रही है। और ये है हमारे टूर प्रबंधक मृणाल भाई, जो हमें यहाँ के बारे में कुछ एडवाइस दे रहे है, तो आप भी सुन लीजिए। रेडी
ओके, वेलकम टू स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની અંદર આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની જ 2x2 એસી બસમાં મુસાફરી કરવાની છે। આપણું આખું એક 56 મેમ્બરનું ગ્રુપ છે, તો આપણે એટલી કોશિશ કરવાની કે એક જ બસમાં આપણું ગ્રુપ આવી જાય અને જોડે રહીએ। હવે દરેક જગ્યાએ આપણી આ ટિકિટ સ્કેન થશે, આપણે ચેક થશે, એરપોર્ટ ટાઈપની સિક્યોરિટી અહીંયા મૂકવામાં આવેલી છે, એટલે એ રીતે પસાર થવું પડશે। એટલે મેક શ્યોર આપણે વન લાઇનમાં રહીએ, બરોબર। આપણે બીજું ગ્રુપ કોઈ આવી જશે, બીજો મેમ્બર આવી જશે તો ખબર નહીં પડે। એટલે હું કહું ત્યારે તમારે જવાનું, ત્યાં સુધી લાઇનમાં જ રહેવાનું, જોડે રહેવાનું, બરોબર। ફોટોગ્રાફી માટે હું સમય આપીશ, આ બસમાં જ આપણે જવાનું છે, અહીંથી આમ લાઇન થાય ત્યાં આપણે જવાનું, બરોબર। એટલે બધાએ જોડે રહેવાનું, એટલો પ્રયત્ન રાખવાનો, થોડી ઉતાવળ રાખવાની, હું કહું ત્યાં તમારે ફરવાનું। ચાલો મારી પાસે, ઓર અબ હમ હમારી ઇલેક્ટ્રિક 2x2 બસ મેં બેઠ રહે હૈ ઓર યે હૈ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કી બસ સર્વિસ। આપ દેખ રહે હૈ કિ યે કિતની અદ્યતન ઓર સુવિધા સફર બસે હૈ। યહાં સે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી 7 કિલોમીટર દૂર હૈ ઓર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તરફ જાતા હુઆ યે રોડ કિતના સુંદર ખૂબસૂરત ઓર નયન રમ્ય હૈ। રોડ કે દોનો સાઇડ હરિયાલી હી હરિયાલી હૈ ઓર ઠંડી ભીગી ઓર સુગંધીદાર હવા આ રહી હૈ। આજ કા એટમોસ્ફિયર જો હૈ વો થોડા ફોગ वाला है, इसीलिए झरने में और भी मजा आ रहा है और मैं बस में खड़े खड़े वीडियो बना रहा हूँ और ये बात आप बस के रिवर्स हिस्से में देख रहे हैं। बाकी यहाँ का जो वातावरण है वो इतना मन भावन है कि जैसे हम देखते ही रहे और हम 56 लोग साथ में है तो एक साथ मुसाफरी करना बेहद आनंद सफर होता है। और बस की खिड़की में से जो काला छाया दिख रहा है वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। आज धुम्मस ज्यादा होने की वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। और अब हम पहुँच गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आगे बहुत बड़ा मैदान है और सभी इलेक्ट्रिक बसें सहलानियों को लेके यहाँ आती है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर यातायात के लिए गुलाबी कलर की ऑटो रिक्शाएं भी चलाई जाती है। इस ऑटो रिक्शा की खास बात यह है कि इस ऑटो रिक्शा के सभी ड्राइवर जो है ना वो लेडीज है। यहाँ सिर्फ लेडीज ही ऑटो रिक्शा चलाती है, यानी कि सभी लेडीज ऑटो रिक्शा की मालकिन है। यहाँ पर सबसे पहले तो काटे हुए फ्रूट मिलते हैं जो आप देख रहे हैं। हम 56 लोगों ने अपनी एक अलग से बना ली है ताकि कोई अलग न हो जाए। और अब हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर और आप देख रहे हैं कि अंदर कितने लोग जा रहे हैं। सबको अंदर जाने के लिए बड़े बड़े डोम बना रखे हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर जाना है तब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आता है। सुबह से हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और सरदार पटेल को नमन करते रहते हैं। यहाँ जो एंट्री फी लगती है ना, वही एंट्री फी के अंदर इलेक्ट्रिक बस का किराया भी लग जाता है, इसीलिए इन बसों के अंदर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ गुजराती में लिखा है नर्मदे सर्वदे। अखंड भारत नी एकता ना शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विश्व मा सौथी ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नु खातमुहूर्त शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ना वरद हस्ते तथा मुख्य मेहमान माननीय श्री LK अडवाणी जी नी उपस्थिति मा विक्रम संवत 2069 आसो वद 12 ने गुरुवार તારીખ 31 ઓક્ટોબર 2023 સરદારશ્રીની 138મા જન્મજયંતિના રોજ સંપન્ન થયેલ છે। મુકામ કેવડિયા કોલોની, તાલુકો નાંદોજ, જિલ્લો નર્મદા। और हम सब धीरे धीरे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ से सरदार पटेल की धुंधली प्रतिमा दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सुविधाएं बढ़ती जाती है। और ये है ट्रैवलेटर। ट्रैवलेटर एक ऐसी सिस्टम है कि आपको चलना नहीं पड़ता, सिर्फ इसके ऊपर आप खड़े हो जाओ तो वो खुद आगे चलता रहता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। सरकार ने यहाँ ऐसी अनेक अत्याधुनिक सिस्टमें लगा रखी है, आप यहाँ आके महसूस करेंगे कि आज भारत देश कितना आगे बढ़ चुका है। आपको ऐसा लगेगा मानो आप फॉरेन कंट्रीज में घूम रहे हो। यहाँ ठहरने के लिए कई बड़े बड़े होटल्स हैं जो हर एक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आप भी अगर कभी यहाँ आओ तो ये जो ट्रैवलर है ना उसका अनुभव जरूर से लेना। तकरीबन हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचने वाले है और ये नर्मदा नदी और स्टैच्यू के जोड़ता हुआ पुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हम सब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँच है और आप देख रहे हैं कि सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा ऐसे दिख रही है जैसे सरदार पटेल आकाश को चूम रहे हैं, है ना। और यहाँ से हमें सरदार पटेल की मूर्ति के अंदर जाना है। सरदार पटेल के हार्ट मानी छाती के हृदय
के अंदर जाना है, तो आप लोग देखते ही रहिए। तब तक मैं आपको ये प्रतिमा के बारे में सब कुछ बताता हूँ। सरदार पटेल की ये भव्य विशाल प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है और 35 मीटर चौड़ी है। पूरे विश्व में ये प्रतिमा सबसे ऊंची और सबसे विशाल प्रतिमा है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण पे इस्पात सांचे माने लोखंड के सांचे, प्रबलित कंक्रीट यानी अति प्रबल सीमेंट से निर्मित कंक्रीट और पूरी प्रतिमा को 19 mm के कांस्य लेप से मढ़ा गया है और उसके ऊपर 9 mm का पंच धातु लेप भी चढ़ाया गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण आरंभ 31 अक्टूबर 2013 यानी कि सरदार पटेल की 138वीं जन्म जयंती पर किया गया था। ये भव्य प्रतिमा का निर्माण कार्य 25 अक्टूबर 2018 में पूर्ण हुआ, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण में 5 साल लगे हैं। ये विशाल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 31 दिसंबर 2018 को पब्लिक के लिए माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी के वरद हस्तों खुला किया गया और ये विशाल का भव्य प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ये भव्य प्रतिमा के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये प्रतिमा की परिकल्पना राम सुतार ने की है और उसे L&T कंपनी ने पूरा किया है। दुनिया भर के 7 अजूबों में भारत का इकलौता ताजमहल शामिल था, लेकिन अब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विश्व के 8वें अजूबे में शामिल कर लिया है। इस तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। महज 1.25 साल में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 31 लाख पर्यटकों ने मुलाकात की है, जिससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कुल 80 करोड़ की आवक हुई थी और कुल मिलाकर अब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात की ही नहीं पूरे भारत वर्ष की आन बान और शान बन चुका है और महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लोह पुरुष की उपाधि से नवाजा था। और यहाँ से हमें अंदर एंट्री लेनी है तो हमारा 56 लोगों का ग्रुप एक लाइन में लग गए हैं। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और सरदार पटेल के पैरों से अंदर होकर उनके हृदय तक जाने वाले हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि सरदार पटेल के पैरों के अंदर लिफ्ट लगा रखी है। उस लिफ्ट में बैठकर आप सरदार पटेल के छाती तक यानी कि उनके हार्ट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए देखते है कि सरदार पटेल के हृदय तक कैसे पहुँचा जा सकता है ना। यहाँ से व्यूइंग गैलरी लिफ्ट में जाना होता है और अब हम सब लिफ्ट में बैठ गए हैं और आप सब देख रहे हैं कि ये लिफ्ट कितना बड़ा है। ये लिफ्ट में एक साथ में लगभग 25 इंसान एक साथ बैठ सकते हैं और अब हम ऊपर सरदार पटेल की छाती के भाग में पहुंच गए हैं। यहाँ भी बहुत बड़ी जगह है और यहाँ व्यू पॉइंट बनाया गया है। यहाँ से नर्मदा नदी और आजू बाजू के सभी स्थल दिखाई देते हैं। यहाँ लगभग 15 मिनट तक रुक सकते हैं और अब हम सब नीचे आ गए हैं। सरदार पटेल के पैरों के नीचे एक बड़ा गोल हॉल बनाया गया है और इस हॉल में पटेल के जीवन चरित्र के अलग अलग पोर्ट्रेट और झांकियां दिखाई पड़ती है और ये सरदार पटेल के मुख का एक टेबलो जो कि देखने में आबे हूब लोह पुरुष जैसा दिखता है जो आप देख रहे हैं। इस टेबलो के पीछे ही सरदार पटेल की एक पूरी प्रतिमा भी लगाई गई है जो कि अद्दल सरदार पटेल जैसी दिखती है। इस हॉल में बनाया गया ये भी एक टेबलो है जो दर्शाता है कि स्वतंत्रता के दौरान कैसी कैसी घटनाएं घटी थी। बाकी आप देख रहे हैं कि ये हॉल में कितने सुंदर सुंदर और इन्फॉर्मेटिव चीजें लगाई गई है और ये है सिनेमा हॉल। इनमें जाके देखते है कि इसमें क्या दिखाया जाता है ना। इसमें एक बड़ा पर्दा लगाया है और इसमें सरदार सरोवर डैम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्वतंत्रता के दौरान सरदार पटेल ने जो महान कार्य किए हुए थे उसके बारे में एक फिल्म दिखा रहे हैं जो सभी लोग शांति से बैठकर देखते हैं और समझ रहे हैं। और अब हम सब बाहर आ गए हैं और मैं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक बेहद खूबसूरत सीन दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से हमें जाना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पांव तक और आप देख रहे हैं कि ये विशाल प्रतिमा एकदम नजदीक से कैसी दिखती है। यहाँ से नीचे कैंपस का नजारा भी बेहद नयन रम्य दिख रहा है जो आप देख रहे हैं। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रांगण के शुरुआत में ये फव्वारा देखिए, कितना खूबसूरत ये फव्वारा है और मैं तो इस फव्वारे को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया हूँ।
है ना। अब हम अपने रसोड़े के स्थान पर पहुंच गए हैं, हमारे लिए रसोई तैयार है और दोपहर के 2 बज गए हैं। हम सब खाना खाने के बाद फिर से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे और वहां फ्लावर गार्डन, जंगल सफारी, सरदार सरोवर डैम और बटरफ्लाई गार्डन की मुलाकात करेंगे। और ये है फ्लावर गार्डन और आप देख रहे हैं कि इस गार्डन में अलग अलग प्रकार के कितने फ्लावर लगाए हुए हैं। इनमें कुछ फ्लावर तो आर्टिफिशियल है और कुछ फ्लावर नेचुरल है। इस तरह इस गार्डन को बेनमून तरीके से सजाया गया है। इस गार्डन में बहुत सारे सेल्फी पॉइंट रखे गए हैं। आप अपनी खूबसूरत फोटोज आराम से ले सकते हैं और यहाँ से भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दिखाई देता है। और यह है जंगल सफारी। इस जंगल सफारी में भात भात के एनिमल देखने को मिलते हैं, बाघ, चीता, सिंह, बंदर, हरण, जरूक, जिराफ और कई जात के वन्य पशु पक्षी यहाँ पर दिख जाते हैं। और यह है सरदार सरोवर नर्मदा डैम। यहाँ भी बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और सब लोग यहाँ बैठकर कभी नर्मदा मैया को तो कभी डैम को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आगे का मैदान। बरोबर शाम 7 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेसर शो लाइट चालू होता है जो आप देख रहे हैं। इस मैदान में लाखों लोगों की जनमेदनी जमीन पर बैठकर लेसर लाइट शो देखने के लिए जमा हो चुकी है। इस लाखों लोगों की जनमेदनी देखकर तो ऐसा लगता है जैसे देश प्रेम का अखंड प्रवाह बह रहा है। मैं आपको पूरा लेसर लाइट शो दिखाने वाला हूं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और अब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लेसर लाइट शो शुरू हो गया है और इस लेसर लाइटिंग से सरदार पटेल के इस स्टैच्यू को अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। कभी कभी इतिहास के पन्नों की अलग अलग घटनाएं को स्टैच्यू पर दर्शाया जाता है तो कभी कभी स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को स्टैच्यू पर दर्शाया जाता है। रात के अंधेरे में इस तरह इस स्टैच्यू को देखने से जैसे लगता है कि सरदार पटेल खुद एक बृहद रूप में आकाश में खड़े होकर बहुत बड़ी जनमेदनी को संबोधित कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत और बेहद देश प्रेम से भरा हुआ ये नजारा लगता है। इस मौके पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देखा है तो एक बार तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि यह हमारे देश की विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। सही में यार, सरदार पटेल का स्टैच्यू हमारे लिए अनमोल है और यहाँ पर सही में देश प्रेम के दर्शन होते हैं। तो बोलो भारत माता की जय। तो बस दोस्तों, ये वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।